हेलो गाइस, द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी डोनट्स। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही सबको पसंद आने वाली, एकदम बढ़िया परफेक्ट बनते हैं ये। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, अपने मनपसंद चटनी के साथ, या तो आप इस पे चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक मैगी। इसे हम क्रश कर लेंगे। मैगी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मैगी को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन करेंगे। ध्यान रहे मैगी को हमें छोटा छोटा रखना है। अब मैगी हमारी रोस्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिया कुछ सब्जियां। मैंने यहाँ पे बीन्स लिए हैं थोड़े से, एक प्याज बारीक कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च बारीक कट कर लिया है। अब ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है, वो भी मैंने बारीक काट लिया है, ये भी इसमें डाल के ऐड कर दूंगी। और मैं अच्छा सा भून लेंगे। मैगी हमारी रोस्ट हो गई है तो कच्ची है नहीं बिल्कुल। अब सब्जियों की नमी के साथ वो अच्छी पक भी जाएगी। हम अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। अब सब्जी हमारी भून रही है अच्छी और मैगी भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। अब यहाँ पे मैंने लिए 3 मीडियम साइज के आलू जो मैंने उबाल के मैश कर लिए। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और ये मैगी का पाउच जो हमारी मैगी में आया था वो वाला मसाला। अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच कॉर्न फ्लावर जो इससे क्रिस्पी बनाएगा, और 1 चम्मच डालूंगी मैं चावल का आटा और इन्हें अच्छे से मिला लूंगी। अब मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे ठंडा करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया 2 चम्मच मैदा, इसका हम घोल बना लेंगे 1/2 कप के अंदाजे से, इसमें पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। अब हमने एक घोल बना लिया, इस तरीके का हमें घोल चाहिए। इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। अब इसे कर देंगे हम साइड और अपने मिक्स को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसके डोनट बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े नींबू की साइज की बॉल की तरह लेंगे और इसे टिक्की की तरह बना लेंगे हम। और मैंने यहाँ पे ये ढक्कन लिया है। अब मैं इसमें एक होल कर दूंगी बीच में, आप किसी भी चीज का ढक्कन वक्कन ले सकते हैं। इसे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसको निकाल देंगे और इन्हें ऐसे दबा देंगे। हमारा ये वाला बन गया। जो इसमें ढक्कन में चला गया था उसको हम निकाल के अपने मिक्स में मिला देंगे और बाकी भी इस तरह से बना लेंगे। इसे ऐसे हल्की से दबा देंगे और इस वाले को हम उठा लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन थोड़ा बड़ा हो तो और भी अच्छी बात है, मेरे पास ये छोटा वाला था। इनको हम साइड से किनारे इनके क्लीन कर देंगे अच्छे से। ये वाला भी हमारा बन गया। अब मैंने सभी डोनट्स बना लिए। अब जो हमने मैदा खोली थी यहाँ पे, इसे एक बार हिला लेंगे
और उसमें डाल दूंगी मैं 1/4 नमक। ये बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। अब यहाँ पे मैंने एक मैगी ली है, मैंने इसको भी क्रश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक डोनट लूंगी अपना और इसमें डिप करते हुए इस तरीके से, और मैगी का कोट लगा देंगे इसके ऊपर। बाकी भी ऐसे कर लेंगे, इसमें अच्छे से डिप करेंगे। अब मैंने सभी पे मैगी की कोटिंग लगा दी है। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिए। तेल को मैं मीडियम फ्लेम पे ही गरम कर रही हूँ। अब तेल हमारा गरम है, चेक करके इसे फ्राई करके ज्यादा कढ़ाई अभी नहीं बननी, अभी शुरू में ही नहीं, बिल्कुल टच नहीं करना। जब थोड़े से सिक जाएंगे नीचे से, फिर इसे हम पलटेंगे। अब इसे चम्मच की सहायता से हम इसे पलट लेंगे। अगर आप शुरू में पलटोगे तो हमें जो मैगी की कोटिंग लगाई है वो हट सकती है, इसलिए थोड़ा सिकने के बाद ही उसे पलटना है। ये वाले हमारे सिक गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे बार बार इन्हें नहीं पलटना, और बाकी भी इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब ये वाले भी हमारे फ्राई हो गए, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। लग रहे कितने सुंदर, और खाने में तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होंगी। तो लीजिए मेरे मैगी डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर बना सकते हैं। आप इसे एक दिन पहले भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।